गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MGH। मैं स्नेहा सिंघाठिया और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन। चैप्टर नंबर 10 किसका? साइंस का। बेसिकली ये जो चैप्टर है प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन, ये साइंस की फिजिक्स की ब्रांच से बिलोंग करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से लेते हैं, प्रकाश की डेफिनेशन से, कि प्रकाश क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा आप लोग, कि हमारी बॉडी में देखने के लिए एक अंग पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो आप सिंपल सी बात कह देंगे कि नेत्र, या जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं आँख। तो ये वाला हमारी बॉडी का पार्ट होता है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। अब अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास नेत्र या आँख है, तो क्या आपको प्रत्येक परिस्थिति में सभी के सभी वस्तुएँ दिखाई देंगी? तो उसके लिए आप कहेंगे कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रकाश में हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन अगर हम अंधेरे में हैं तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दैट मीन्स हमें साफ साफ पता चल जाता है कि सिर्फ आँख से काम नहीं चलेगा, हमें देखने के लिए आँख के साथ साथ प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स हमें कलरफुल दिखाई देते हैं, किस तरह से इमेजेस जो है वो बड़ी छोटी बराबर किस टाइप की बनती है, सारा कुछ हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश की जो दो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं अपवर्तन और परावर्तन, जो कि प्रकाश प्रदर्शित करता है बेसिकली, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली कि प्रकाश किसे कहते हैं। जनरली सिंपल सी बात है, प्रकाश जो होता है ना, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। देखिए, दृष्टि की संवेदना को ग्रहण करने के लिए तो हमारे पास आँख है, लेकिन आँख को कौन बोलेगा कि भैया देखो? यानी कि लाइट की एब्सेंस में तो आँख को नहीं दिखाई देगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आँख को हमें नहीं दिखाई देगा लाइट की एब्सेंस में। यानी प्रकाश नहीं है तो हमें, हमारी जो दृष्टि संवेदना है वो जागृत नहीं होगी। तो हम बेसिकली प्रकाश की अगर आप परिभाषा देंगे तो आप बेसिकली क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात कि यह एक ऊर्जा है या एक प्रकार की ऊर्जा है, या सिंपली लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो सिंपली आप लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी कौन सी संवेदना, दृष्टि संवेदना, जो कि हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ऊर्जा है तो हम लिखेंगे करती है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की डेफिनेशन आपको पता चल गई। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रकाश के स्रोत के बारे में देखें, तो प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है, जैसे सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा, सबसे जो मुख्य स्रोत बोलेंगे वो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और भी जैसे आप लिख सकते हैं बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, और भी मोमबत्ती का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, इस तरह का, या फिर तारे का प्रकाश, सिंपली सबसे मुख्य स्रोत। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा या मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है, ठीक है। तो आपको प्रकाश के बारे में बेसिकली जो भी जानना था जान लिया। अब हम देखते हैं कि प्रकाश जो होता है ना, वो बेसिकली दो तरीके से बिहेव करता है। देखिए, ये इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको 12th class में समझ में आएगा। आप यहाँ पर बेसिकली इनको कुछ फैक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, यानी कि कुछ फैक्ट्स की तरह देख सकते हैं, एज इट इज़ इनको समझेंगे, याद करेंगे, गेन करेंगे। जैसे यहाँ पर बात आती है प्रकाश की प्रकृति। तो सिंपली स्टूडेंट्स, प्रकाश जो है ना, वो दो तरह से, दो नेचर में बिहेव करता है। यानी प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक जिसे हम कहते हैं कण प्रकृति, और एक जिसे हम कहते हैं तरंग प्रकृति। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मली जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने रिसर्च जिस लेवल में स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उन्होंने प्रकाश को ये माना कि प्रकाश जो होता है ना, वो कणों के फॉर्म में होता है, और बाद में ये सोचा गया कि तरंग प्रकृति के फॉर्म में होता है, और बाद में उसका द्वैत सिद्धांत भी आ गया। चलिए देखते हैं। कण प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रकाश है वो एक कण की तरह है, प्रकाश जो है वो किसकी तरह, एक कण की तरह है, और जब वो मूव करता है तो वो एक किरण की तरह मूव करता है,
राइट। उसके बाद तरंग प्रकृति का देखें तो तरंग प्रकृति में ऐसा माना जाता है कि प्रकाश जो है वो इस तरह से तरंग के रूप में ट्रैवल करता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश की एक प्रकृति होती है कण प्रकृति और दूसरी प्रकृति होती है तरंग प्रकृति। फैक्ट्स के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रकाश की कण प्रकृति को किसने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले प्रकाश की कण प्रकृति को न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। तरंग प्रकृति को एक्सप्लेन किया था हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ये हो गया कि अब हम इसको कण प्रकृति का माने या तरंग प्रकृति का माने। तो फिर बाद में एक डी ब्रोगली नाम से एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली, इन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश जो होता है वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन, और इसके अंदर बहुत सारी जो तरंगे होती है वो अध्यारोपित रहती हैं। अगर आप कण के फॉर्म में मानना चाह रहे हैं तो एक पूरे पैकेट को कण माने, और अगर आप तरंग के रूप में मानना चाह रहे हैं तो इसके अंदर देखिए तरंगे भी है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित है, ओवरलैप्ड है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डी ब्रोगली साहब ने कहा कि न्यूटन साहब आप हाइगन साहब से लड़िए मत, प्रकाश जो है वो दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। तो डी ब्रोगली ने यहाँ पर दिया प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, कुछ फैक्ट्स, कि प्रकाश का जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। कुछ घटनाओं में वो कण की तरह, कुछ घटनाओं में वो तरंग की तरह मतलब व्यवहार करता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया है। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले कण प्रकृति दी थी और हाइगन ने सबसे पहले तरंग प्रकृति दी थी, और उसके बाद डी ब्रोगली साहब ने इन दोनों के लिए, इन दोनों का झगड़ा मिटाते हुए बोल दिया कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की, यानी वो ड्यूल नेचर प्रदर्शित करता है। चलिए अब यहाँ पर चैप्टर में आपने प्रकाश के बारे में बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो पढ़ ली। अब प्रकाश जो है वो जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं प्रदर्शित करता है, अपवर्तन और परावर्तन, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन। तो आप फटाफट से हेडिंग डालेंगे परावर्तन। फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रकाश के बारे में हमने जान लिया। अब हम प्रकाश जो दो घटनाएं प्रदर्शित करते हैं, हमारे चैप्टर में बेसिकली यही दो घटनाएं हैं जिनको हमें बहुत डीपली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में परावर्तन को पढ़ा भी होगा कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी भी चीज़ से टकरा जाए और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई प्रकाश किरण थी और यहाँ पर इस तरह से कोई दर्पण रखा हुआ था, जैसे आप नॉर्मल जो मिरर आपके घर में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश किरण आती है, टकराने के बाद वापस उधर चली जाती है, इस दर्पण के अंदर नहीं चली जाती है। बेसिकली अगर आपने वाटर देखें, वाटर पानी, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश किरण आती है तो प्रकाश किरण इसके अंदर चली जाती है। ये वाली घटना परावर्तन नहीं है। परावर्तन होगी जब टकरा के वापस उसी माध्यम में रिटर्न हो जाए, उस दूसरे माध्यम के अंदर ना जाए प्रकाश। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। बेसिकली पहले डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझेंगे। देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, या सिंपल ये कहेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है, जैसे ही वो उसके पृष्ठ पर टकराएगी, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, जैसे ही वो प्रकाश किरण आ रही है, जैसे ही इसे टकराएगी तो वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगी, तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि अगर मान लो ये कोई प्रकाश किरण जा रही थी और इसके रास्ते में कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिससे ये टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो उसको हम इस घटना को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे। तो ये जो आने वाली एक्चुअल में जो प्रकाश किरण होती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और जैसे ये किसी प्रश्न से टकराती है तो जिस प्रश्न से टकरा रही है, जिस प्रश्न से टकराने के बाद इसका परावर्तन हो रहा है, उस प्रश्न को हम परावर्तक प्रश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक प्रश्न। और जैसे ये टकराने के बाद जाती है, यानी इस आप जो किरण आपतित हुई थी इसको बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण आपतित हुई थी जैसे ही वो परावर्तक प्रश्न से टकराती है तो वो उसका परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लौटने वाली किरण है उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी ऐसी किरण जो लौट रही है, परावर्तन के पश्चात लौट रही है, उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं ये हमारा माध्यम एक था और ये नीचे वाला हमारा माध्यम दो था। लेकिन ये प्रकाश किरण तो माध्यम दो में आई नहीं, जैसे ही माध्यम दो में आने लगी तो माध्यम दो के पृष्ठ से टकरा के वापस वो माध्यम एक में रिटर्न हो गई। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो घटना होती है ना, ये कुछ नियमों को फॉलो करती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है, कुछ नियमों को फॉलो करती है। आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, हमें परावर्तन के नियम से समझने से पहले परावर्तन की घटना को बेसिकली अच्छे से समझें कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ था, ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, ये वाली होगी आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं इसको, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये जो जिस बिंदु पर आपतित हुई है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम बात करें इस आपतन बिंदु पर इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक, या ये कहें कि परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब खींचा जाता है इस तरह से, जिसे अभिलंब कहा जाता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इंग्लिश में अभिलंब को बोलेंगे नॉर्मल। जैसे ये प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें कि ये जो आपतित किरण आते हुए अभिलंब के साथ जो कोण बना रही होती है, जो कोण बनाती है, उसे स्मॉल एंगल स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और अभिलंब के साथ ये जो परावर्तित किरण जो कोण बना रही है, देखिए ये अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पर साइड में आप नोट कर सकते हैं एंगल आई क्या होगा, आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल आर क्या होगा, परावर्तन कोण। अब बात आते हैं परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम कुछ इस तरह से कहता है कि जब भी आपकी परावर्तन की घटना होती है ना, तो उसके अंदर ये जो आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी अगर कोई प्रकाश की कोई इस तरह की घटना हो जाए कि कोई प्रकाश किरण आए किसी पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो ऐसे केस में एंगल आई बराबर हमेशा एंगल आर होता है। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो परावर्तन का पहला नियम हमारा क्या कहेगा, लिख लेते हैं हम लोग परावर्तन का पहला नियम, या फिर आप यहाँ पर बेसिकली ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि परावर्तन केवल, परावर्तन केवल निम्न दो नियमों
निम्न दो नियमों का पालन करते हुए घटित होता है। अब कौन से नियम है? तो पहला नियम आप लिखेंगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली लिख लेंगे कि एंगल I बराबर होता है एंगल R के। तो ये हो गया हमारा परावर्तन का पहला नियम। अगर हम बात करें परावर्तन के द्वितीय नियम की, तो उसका भी कथन आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे कि दूसरा नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण, उसके बाद बात करें परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों सदैव एक तल में रहते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि जो आपकी आपतित किरण है, यानी ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अब अगर हम इसको समझना चाहें तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नोटबुक है, मैंने इस नोटबुक को यहाँ रख दिया इस टाइप से, और मैंने आपको ये चीज़ इस टाइप से मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जो आपतित किरण आई है वो इसके अंदर आई है, जैसे ही टकराएगी तो वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी, लेकिन किस साइड में जाएगी? इस नोटबुक के अंदर ही जाएगी, इस साइड में जाएगी या किस साइड में जाएगी? एंगल तो पता चल गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ इस टाइप से बात कर लेते हैं कि कोई हमारी प्रकाश किरण इस बोर्ड के अंदर कुछ इस टाइप से आई, जैसे यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद जिस एंगल से आई है उस एंगल से जाएगी, लेकिन किस साइड में जाएगी? क्या इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए इस एंगल से जाएगी, क्या यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, किधर जाएगी? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जिस प्लेन में आई है ना, जिस समतल में आई है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जैसे मान लो कि कोई प्रकाश किरण इस प्लेन में आई, यहाँ जितना एंगल बनाते हुए आई उतना ही एंगल बनाते हुए सिर्फ इसी प्लेन में ही जाएगी। अगर इस नोटबुक के अंदर से आई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद इसी प्लेन में जाएगी। नोटबुक को मत समझिए, एक प्लेन को समझिए। प्लेन होता है समतल, एक समतल होता है कि जिधर से आएगी, जिस समतल में आएगी उसी समतल से जाएगी, ऐसे नहीं बाहर से या इधर आगे या पीछे कहीं जाएगी। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक प्लेन में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल आई और एंगल आर, उतना ही एंगल बाहर भी बन सकता है, पीछे की साइड में भी बन सकता है, लेकिन ये इस बोर्ड के अंदर ही जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, लेकिन उसके साथ एंगल आई और आर के साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अभिलंब है तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दोनों तो एक ही प्लेन में हो, ये वाली बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परावर्तन के दोनों नियम आपको समझ में आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है तो जो घटना है वो परावर्तन नहीं कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बात आती है परावर्तन के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा है परावर्तन के प्रकार। नेक्स्टली हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। देखिए बेसिकली परावर्तन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं तो नाम लिखिए। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन।
नियमित प्रावर्तन जो होता है ना उसके अंदर जो सरफेस होती है यानी जो प्रावर्तक पृष्ठ होता है वो हमारा बिल्कुल चिकना बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन विसरित प्रावर्तन में जो हमारा प्रावर्तक पृष्ठ होता है वो थोड़ा कर्वड होता है। कर्वड का मतलब वक्रीय होता है, उबड़ खाबड़ होता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर नियमित प्रावर्तन के अंदर क्या होगा कि अगर हम एक्चुअल में हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए अगर प्रकाश इस टाइप से मूव कर रहा हूँ यानी प्रकाश की कोई एक किरण है तो इसे तो हम क्या कहते हैं, किरण। लेकिन अगर समांतर प्रकाश किरणों का एक बंडल ले लिया जाए यानी बहुत सारी प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं तो इसे हम या प्रकाश समांतर प्रकाश किरणों का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश का पुंज। क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। यह चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो जब भी हम किसी प्रकाश पुंज को यानी बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणों को किसी प्रावर्तक पृष्ठ पर आपतित कराएं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणें इस पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं, ये सारी की सारी जो है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं यानी बिल्कुल समांतर आ रही हैं। तो अगर ये टकराने के बाद भी यानी प्रावर्तन के बाद भी समांतर जाए तो वो नियमित प्रावर्तन होगा, और समांतर ना जाए तो वो विसरित प्रावर्तन होगा। और हमें पता है कि प्रावर्तन की घटना में हमेशा जो है एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। अब फॉलो करने में कैसे करेंगे, आप भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ पर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ पर जाएगी, आपको पता होगा कैसे। देखें अगर हमें किसी भी प्रकाश किरण का प्रावर्तन कराना है तो जिस बिंदु पर वो आपतित हुई है, देखिए जिस बिंदु पर आपतित हुई है उस बिंदु पर एक लंब डाल दीजिए और जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर उसको क्या कर दीजिए, वापस से भेज दीजिए यानी प्रावर्तित करवा दीजिए। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, सिंपल सी बात। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ये जो एंगल ऑफ ये जो आपतन बिंदु है इसके ऊपर हम अभिलंब ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इसके लिए अभिलंब ड्रॉ कर दिया, इसके लिए भी ड्रॉ कर दिया, इसके लिए भी ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जिस एंगल से आ रही है, देखिए जिस एंगल से आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए इसको प्रावर्तित करा देते हैं। यहाँ पर जिस एंगल से आई है उतना ही एंगल बनाते हुए हम इसको प्रावर्तित करा देते हैं। चूँकि ये पैरेलल थी, सेम एंगल से आ रही थी, तो ये बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब जा रही हैं तो भी क्या है, समांतर है। यानी ये किस टाइप का प्रावर्तन हो गया, नियमित प्रावर्तन। ध्यान रखिएगा एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विसरित प्रावर्तन में। तो विसरित प्रावर्तन में भी क्या होता है कि बहुत सारी रेज जो है वो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ पैरेलल रेज जो है वो यानी समांतर प्रकाश किरणों का आपतन कराया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके अभिलंब भी समांतर है लेकिन यहाँ पर इनके अभिलंब जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो वो बहुत थोड़ा अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो हमें इस बिंदु पर अभिलंब ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर एक 90 डिग्रीज का एंगल बना दीजिए। यहाँ पर ड्रॉ करना है तो इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए और उसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना दीजिए। तो इस टाइप से हम अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इस पॉइंट के लिए हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे, पहले हमने स्पर्शरेखा खींची उसके ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बना दिया। यहाँ पर हमने स्पर्शरेखा खींची और उसके ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बना दिया। यहाँ पर हमने स्पर्शरेखा खींची और उसके ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए हमने ये अभिलंब खींच दिया। अब अभिलंब के साथ जिस एंगल जो एंगल बनाते हुए आई है वही एंगल बनाते हुए जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हमने आई बराबर आर इस पर्टिकुलर रे के लिए फॉलो करवा दिया। इसके लिए कराएंगे तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी, इसके लिए जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण होती है वो इस उबड़ खाबड़ सतह के कारण, इस उबड़ खाबड़ सतह के कारण या वक्रीय सतह के कारण, कर्व्ड सरफेस के कारण अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं या अलग अलग दिशाओं में जाती हैं प्रावर्तन के पश्चात। तो ये वाला जो प्रावर्तन हो जाएगा वो विसरित प्रावर्तन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि एंगल आई बराबर आर हमने पर्टिकुलर हर एक रे के लिए यहाँ भी फॉलो कराया और यहाँ भी फॉलो कराया है, लेकिन यहाँ पर सतह उबड़ खाबड़ थी जिसके कारण जैसे ही हम आई बराबर आर फॉलो कराने गए तो ये अलग अलग दिशाओं में बिखर गई, लेकिन यहाँ पर पैरेलल आने वाली पैरेलल ही जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तो आई बराबर आर है
और यहाँ पर आई बराबर आर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी आई बराबर आर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये परावर्तन का नियम है, चूँकि ये परावर्तन का प्रकार है, और परावर्तन होगा ही नहीं जब एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा, परावर्तन केवल तभी होगा जब इस रूल को फॉलो कराया जाए, तो ये रूल यहाँ भी फॉलो होगा और यहाँ भी फॉलो होगा। चलिए इसको बिल्कुल सारी चीज़ों को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स बिल्कुल बेटर रहें और आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बिल्कुल रेडी कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद नियमित परावर्तन में आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, नियमित परावर्तन में सबसे पहले लिखिएगा कि आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा, आपतित प्रकाश पुंज को किसी चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने को नियमित परावर्तन कहते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि समांतर आपतित किरणें समांतर ही परावर्तित होती हैं। समांतर आ रही है तो समांतर ही जा रही हैं। देखिए, समांतर आपतित किरणें समांतर ही परावर्तित होती हैं। फिर विसरित परावर्तन में कि खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में, या आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश पुंज को खुरदरे पृष्ठ द्वारा सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कि परावर्तन जो घटना प्रदर्शित की जाती है उस अपरेटस को, उस उपकरण को या उस यंत्र को हम दर्पण कहते हैं। देखिए, बेसिकली आपने दर्पण यानी कि मिरर आपके घरों में भी देखा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कुछ नहीं है, बेसिकली एक उपकरण है जो हमारी परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, यानी जैसे प्रकाश उस पर आपतित होगा तो वो उसका परावर्तन कर देता है। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह प्रकाशिक उपकरण जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित। यहाँ पर पूर्णतः पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो स्पून होती है, जो चम्मच होती है, उसके बैक साइड में या उसके फ्रंट साइड में जो अंदर वाला भाग होता है या जो उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ पर देखने पर भी आपको इमेजेस दिखाई देती हैं, तो वो भी प्रकाश को परावर्तित करते हैं लेकिन वो पूर्णतः परावर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, तो वह प्रकाशिक उपकरण जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। वह दर्पण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? बेसिकली दर्पण कहलाता है। और अगर किसी दर्पण को बनाना हो हमें, जैसे अगर हमें किसी कांच के टुकड़े को हमें दर्पण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके बैक साइड में एक पॉलिश कर देंगे जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम की पॉलिश, यानी एल्यूमिनियम या चांदी की पतली पॉलिश अगर हम किसी कांच के टुकड़े पर कर दें तो वो हमारा दर्पण बन जाता है। बेसिकली इसको हम कुछ इस टाइप से दिखाएंगे कि हमने इस तरह से इसको पॉलिश कर दिया और हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ, एक दर्पण, यानी इधर से देखेंगे तो वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा। ठीक है, इसके बैक साइड में ये पॉलिश दिखाया हुआ है कि ये सरफेस है, उसके बैक साइड में पॉलिश है। तो आगे हम दर्पण को इसी टाइप से ड्रॉ करेंगे, इसी टाइप से देखेंगे। आपने 8th क्लास में बेसिकली दर्पण के बारे में पढ़ा भी होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंसेज के बारे में भी पढ़ा होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस वगैरह। तो सिंपल सी बात है, दर्पण आप सिंपल सी बात है घर में देखते हो नॉर्मल सुबह शाम। ठीक है,
तो दर्पण के बारे में हो गया। दर्पण को बनाने के लिए क्या किया जाता है, कांच के ऊपर सिंपली एल्यूमिनियम या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार। तो जो कांच लिया है हमने पॉलिश करने के लिए, उसकी आकृति के आधार पर दर्पण जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो कह देंगे कि हाँ दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नहीं, ऐसा नहीं है। दर्पण जो होता है, अगर हम दर्पण के प्रकार की बात करें तो बिल्कुल सही है, दर्पण दो प्रकार का होता है, लेकिन उत्तल और अवतल नहीं। दर्पण के दो प्रकार कौन से होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एज इट इज़ आप नोट करते हुए चलिएगा, हेडिंग डाल दीजिए दर्पण के प्रकार। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में सिंपल सी बात है, एक समतल बिल्कुल कांच का टुकड़ा लिया और उसके एक साइड हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, तो ये बन जाएगा समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण में क्या होगा कि बिल्कुल कोई गोला लिया, उसको काटा, ठीक है, और उसके एक साइड अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो हमारे पास गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है ये बेसिकली टू टाइप का होता है, दो तरह का होता है। आगे कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी उत्तल और अवतल दर्पण में आगे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो देखिए, उत्तल दर्पण, कुछ लोग इसको फिगर से मान लेते हैं कि इस टाइप का जो होगा वो हमेशा ही उत्तल होगा, इस टाइप का जो होगा हमेशा ही अवतल होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों दर्पण उत्तल हो सकते हैं और ये दोनों दर्पण भी अवतल हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी पॉलिश पर। तो पॉलिश कैसे, देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड है ऊ, ऊ का मतलब उभरा हुआ, ऊ का मतलब उभरा हुआ, यानी वहन दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगा वो उत्तल दर्पण होगा। अब उभरा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, यानी ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग, यानी पॉलिश कौन सी साइड होगी, इसकी पीछे वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, ठीक है। बैक साइड में आपको पता है ना, दर्पण में पीछे वाली साइड पॉलिश होती है तभी हमें फ्रंट साइड से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिश होगी वो बैक साइड होगी, तभी हमें यहाँ से दिखाई देगा। तो इसका उभरा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। प्रावर्तक पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ जिससे टकराने के बाद प्रावर्तन की घटना प्रदर्शित होती है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल में यहाँ पर ए है, ए का मतलब अंदर धंसा हुआ, ए का मतलब अंदर धंसा हुआ, यानी बेसिकली अवतल दर्पण वो होगा जिसका अंदर धंसा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करता है, यानी ये वाला भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। प्रकाश किरणें यहाँ पर टकराएंगी, इधर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर से या इधर से देखने पर दिखाई देगा, ठीक है। यानी इसकी पॉलिश कहाँ की गई है, बाहर की तरफ, पॉलिश कहाँ की गई है, बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर बेसिकली लिख भी सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करता है, और अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका अंदर दर्शा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम करता है। उत्तल दर्पण में ये एग्जाम्पल बना लीजिएगा, अवतल दर्पण में ये वाला एग्जाम्पल बना लीजिएगा। चलिए, यहीं पर आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप कुछ मिरर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, आप बताएंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। चलिए फटाफट से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर चारों को ड्रॉ कीजिए और वीडियो को एक बार पॉज करके इनके आंसर्स लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे आंसर्स क्या हैं। चलिए फटाफट से इनके नाम लिख दीजिए कि किसका अंदर दसा हुआ भाग प्रावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस साइड पॉलिश है वो साइड प्रावर्तक पृष्ठ नहीं होगी, पॉलिश के दूसरी साइड प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। तो देख लेते हैं, देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि इस साइड पॉलिश है, यानी इसके ये वाली सतह प्रावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। अब ये वाली सतह तो अंदर दसी हुई है, तो अंदर दसी हुई वाली कौन सी होती है, अवतल। तो जिसका भी अवतल आंसर वो करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला,
जिसकी उभरी हुई सतह, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भी अंदर धसी हुई सतह, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। इसकी देखें तो इसकी उभरी हुई सतह, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इन फ्यूचर आपको किसी भी टाइप का दर्पण आपको ड्रॉ करके दिया हो, आप पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल दर्पण है। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और एक छोटा सा फैक्ट और है जो अभी देख लेते हैं, जो है कि प्रतिबिंब क्या होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं इमेज क्या होती है। तो आप सब लोगों को पता है कि जैसे मान लो हम मिरर देख रहे हैं, ठीक है, मिरर देख रहे हैं, तो मिरर में हमें, मिरर के अंदर हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो होती है हमारी इमेज। देखिए, एक होती है छाया, छाया भी इमेज ही होती है एक्चुअल में। जैसे धूप के कारण हमारी जो छाया बनती है, उसे भी हम प्रतिबिंब ही बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में आप याद कर लीजिएगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके बारे में कोई भी जो है आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत बनाइएगा, बस दो फैक्ट्स को ध्यान रखना आपने कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होगा जो, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब वो होगा जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी तरह की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसको एज ए फैक्ट याद करना है। जैसे ही हम आगे वाले जो हमारे प्रतिबिंब निर्माण वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम में आएंगी, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा। बस ये एज ए फैक्ट्स आप याद कर लें कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना, वो हमेशा ही उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टे बनेंगे, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना, वो हमेशा ही कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पूर्वानुमान लगाने की बजाय आप सीधा ये याद रखें, सीधे बने तो आभासी होंगे, उल्टे बने तो वास्तविक होंगे। कैसे कैसे इनके एग्जाम्पल्स वगैरह, वो सब कुछ हम आगे करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा दर्पण और दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकारों में हमने पढ़ा कि एक दर्पण होता है समतल दर्पण, और एक दर्पण होता है हमारा कौन सा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल, जिनसे प्रतिबिंब निर्माण हम आगे करेंगे। फर्स्टली हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझ लेते हैं। तो आप सिंपल सी हेडिंग डालिएगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, समतल दर्पण वही दर्पण होता है जो आप घर में यूज़ करते हैं। बेसिकली सुबह सुबह आप जब कॉम करते हैं अपने हेयर्स को, तब जो आप मिरर देखते हैं, वही जो होता है एक समतल दर्पण होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया है, ठीक है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कि जो आप समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, यानी जैसे ही आप अपने मिरर में देखते हैं, तो आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी। जैसे पहली चीज़ कि समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है और जो हमारी वस्तु होती है, दोनों का आकार, आकृति और विमाएं सभी हमेशा सेम रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो, तो आपकी एग्जैक्ट इमेज, जितनी आपकी लंबाई है, जितनी आपकी चौड़ाई है, जितनी आपकी ऊंचाई है, एग्जैक्टली वैसी ही आपको दिखाई देगी। ऐसे तो थोड़ी, ऐसे तो नहीं होता है ना कि हम लोग सामने खड़े हैं और हमसे दुगना मोटा इंसान मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जितने साइज़ के हम हैं उसी साइज़ का, या हमारे हाथ में कोई चीज़ है तो वह एग्जैक्टली उतनी ही दिखाई देगी, उतने ही साइज़ की दिखाई देगी जितनी वो एक्चुअली है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो दर्पण में देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वस्तु या बिंब, और मिरर के अंदर जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब या फिर इमेज, प्रतिबिंब या फिर
इमेज। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन निकालेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब में बनने वाले प्रतिबिंब प्रतिबिंब वे जो हमारी वस्तु है प्रतिबिंब वे वस्तु का आकार आकृति साइज एंड शेप और डायमेंशंस यानी कि विमाएं यानी कि सब कुछ आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, विमाएं सभी समान रहती हैं। सभी क्या रहती हैं? समान रहती हैं। पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाला। दूसरा कंक्लूजन कि जिस रंग की यहाँ पर वस्तु है हमें उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे मान लो हमने येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है तो हमें मिरर में भी हमारी शर्ट का रंग जो है वो येलो ही दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि हमारी मिरर जो इमेज बनी है उसके अंदर ब्लू कलर की शर्ट हो जाएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होती है और जो इमेज रहती है उसका कलर जो होता है ना वो ऑलवेज सेम रहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। दैट मीन्स प्रतिबिंब वे वस्तु का रंग सदैव समान रहता है, ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। थर्ड थिंग, तीसरी चीज की बात करते हैं कि सिंपल सी बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं ना उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, यानी पार्श्व परिवर्तन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं कि समतल दर्पण, देखिए पहले लिख लीजिए उसके बाद समझते हैं इसको, कि समतल दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए इस हाथ में हमारे कोई पेन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस हाथ में हमारा कोई पेन है और इस हाथ में हमारी कोई नोटबुक है। तो जैसे ही हम मिरर में देखेंगे तो हमें इस क्लोजर वाले हाथ में यानी इस पास वाले हाथ में तो पेन दिखाई देगा और दूसरे हाथ में उधर वाली साइड में क्या दिखाई देगी, ये जो नोटबुक या बुक है ये दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़, जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो देखिए हमारे राइट हैंड में पेन था, यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड में हो गया, यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड में बुक थी या तो राइट हैंड में हो गई। दैट मीन्स इसका मतलब सिंपल सा है कि जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट है वो राइट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई मिरर लगा हुआ है और जैसे ही अपने हैंड को देखते हैं इस मिरर के अंदर तो हमें एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा, हमें इस टाइप की इमेज दिखाई देगी। बेसिकली लेट्स से यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिरर लगा हुआ है, इस हाथ की इमेज हम इस मिरर में देखेंगे तो हमें हाथ ऐसा दिखाई देगा ना कि ऐसा, सॉरी दूसरी साइड नहीं, एक्चुअली हमारी ये जो हैंड है उसकी इमेज ऐसे नहीं बनेगी, ये अंगूठा यहाँ पर कुछ इस टाइप से यानी एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की तरह से होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा यही मीनिंग है हमारे पार्श्व परिवर्तित होने से, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ना वो कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको ढंग से क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, हिंट के लिए लिख सकते हैं आप, और ये वाला डायग्राम भी यहाँ पर आप बना सकते हैं ताकि आपको हिंट रहे, ठीक है। और अगर कंक्लूजन्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल और देखें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टेबल रखा हुआ है और टेबल से थोड़ी दूर यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर कोई और चीज़ रखी हुई है तो इस चीज़ की इमेज यहाँ पर बनेगी उतनी डिस्टेंस पर जितनी है, उसके बाद जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतनी डिस्टेंस के बाद यहाँ पर टेबल बड़ा होगा और टेबल से जितनी डिस्टेंस आपकी है ना उतनी डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी। दैट मीन्स जो
यहाँ पर दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की रहेगी जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। यानी कि ऐसे नहीं है कि हम दर्पण से 2 फुट की दूरी पर खड़े हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज है वो 4 फुट की डिस्टेंस पर बन जाएगी, या हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में कोई बिल्ली खड़ी हुई है मान लो तो ये बिल्ली हमारे बिल्कुल पास में दिखाई देगी, नहीं बिल्कुल बीच में ही दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो यू होता है ना दर्पण से बिंब की जो दूरी रहती है ना उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब पीछे की साइड में दिखाई देता है। यहाँ पर जो फर्श है पूरा वो सब एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी नीचे बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे कि वस्तु से, वस्तु या वस्तु की दर्पण से दूरी जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जिसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो दूरी होती है ये इस वाली दूरी के बराबर होती है। कैसी होती है? एग्जैक्टली इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, और कंक्लूजन्स की बात करें तो जैसे जैसे अभी हमने देखा था कि प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी टाइप का होगा, तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऑलवेज प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। अब देखिए वास्तविक तो नहीं है ना, यहाँ पर मिरर के पीछे आप जाकर के देखेंगे तो वास्तव में तो वहाँ पर आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ ना, बस वो इमेज है, आभासी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यानी इस वाली इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा है और सीधा होगा तो हमेशा फैक्ट है कि आभासी होगा। ठीक है, तो सीधा और आभासी होता है। एक और चीज़ है, एक और छोटा सा फैक्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को एक मिरर ले लें और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति की हाइट एच है, ठीक है, इस एच हाइट के व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज इस मिरर में देखनी है तो हमें किस साइज़ का मिरर लेना पड़ेगा, किस साइज़ का? तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें एच हाइट के व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज बिल्कुल फुट पॉइंट से लेकर के हेड तक बिल्कुल पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए हमें एच बाई टू हाइट का यानी इसका बिल्कुल आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका बिल्कुल आधा यानी एच बाई टू हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जस्ट कई बार छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार कि मान लीजिए आप 10 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको पूरा देखना, या कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट इतनी है, जैसे मान लो एच हाइट है तो उसको अपनी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट मतलब इमेज देखनी है तो आप बताइए कितने साइज़ का मिरर लेना पड़ेगा, कितने हाइट का मिरर लेना पड़ेगा। तो आप जस्ट लिख देंगे कि एच बाई टू हाइट का, या अगर उसने कुछ डायमेंशन दे रखी है जैसे 5 फीट का है या मान लो मीटर्स में दे रखा है, ठीक है 1.5 मीटर का, ये ऐसा कुछ भी डायमेंशन दे सकता है, कुछ भी साइज़ दे सकता है। ठीक है, तो उसका आप आधा कर दीजिएगा कि हमें इसके आधे साइज़ का मिरर चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उसका आधा दर्पण लेना होगा, यानी हमें उसके आधे साइज का दर्पण लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आ गया समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम करते हैं हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, लेकिन उससे पहले आज हम जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है वो समझ लेते हैं, ये भी हमारे आगे बेसिकली बहुत काम में आने वाला है, जिसको हम बोलेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह में और हमें बहुत काफ़ी काम में आने वाली है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कहता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, सिंपल सी बात है, जैसे आपने देखा होगा एक निर्देश तंत्र होता है आपका, कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सेस होता है, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सेस होता है, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है और ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो एज इट इज़ हम वही सेम चीज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
ये कार्तीय निर्देश तंत्र का इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर दो संख्या रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं और दोनों जहाँ काटती हैं वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, या फिर इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सेस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सेस और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये सब चीज़ें हमें पता हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये कहती हैं कि जब भी आपको दर्पण से संबंधित लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ या कुछ भी दूरियाँ नापनी हो तो आप हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यूज़ करके उनके सामने पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमें किसी भी दर्पण के लिए दूरियां नापनी है तो आप उस दर्पण को हमेशा इस पर रखेंगे, यानी उस दर्पण को हमेशा इस मूल बिंदु पर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम दर्पण को मूल बिंदु पर रखेंगे, जैसे ये समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है, ठीक है, हमेशा ही मूल बिंदु पर रखना है। ठीक है, और प्रकाश किरण को हमेशा ही हमें बाईं ओर से आपतित कराना होता है, बाईं ओर से ही हमेशा प्रकाश किरण को आपतित कराना है, यानी इसकी पॉलिश कहाँ पर होगी, दूसरी साइड। पॉलिश कहाँ पर होगी, इस साइड, इसमें पॉलिश कहाँ होगी, इस साइड। ठीक है, तो हमें हमेशा ही प्रकाश किरण को बाईं ओर से आपतित कराना होता है। ऐसा करने पर अगर हमें कोई भी हाइट ऊपर की तरफ मापनी पड़े, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी हाइट देखनी है तो ऊपर की तरफ जाना पड़े, तो वो वाली हाइट्स हमेशा कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर हमें किसी हाइट को नीचे वाली साइड में, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट उल्टा बना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उल्टा बना है, उसकी हाइट नीचे की साइड में होगी तो ये हमेशा कैसी होंगी, नेगेटिव, यानी इधर की साइड में जो दूरियाँ लेनी होगी हमें वो कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होंगी। अगर हम बात करें कि इससे इधर की साइड में हमें अगर कोई दूरियाँ नापनी है, जैसे मान लो हमने देखा था अभी कि हमारा ऐसे करके मिरर था, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और यहाँ पर हमारी इमेज बनी हुई थी, तो ये वाली दूरी हमने ली थी यू और ये वाली दूरी हमने ली थी वी, तो हमें मिरर से उधर की साइड में, यानी मिरर से इधर की साइड में अगर ये वाली वी डिस्टेंस, ये वाली दूरी मापनी हो तो ये हमेशा कैसी लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, और मिरर के इधर जो भी दूरियाँ होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मापी जा रही हैं और ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मापी जा रही हैं। ये वाली हाइट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में मापी जा रही हैं और ये वाली हाइट्स नेगेटिव वाई एक्सिस में मापी जा रही हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती हैं, कि ऊपर की साइड में अगर आपको कुछ हाइट्स वगैरह लेनी है तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, नीचे की साइड में लेनी है तो वो हमेशा नेगेटिव होंगी, और अगर आपको लेफ्ट साइड में लेनी है तो नेगेटिव होगी और राइट साइड में लेनी है तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, सिंपली कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नोट्स बना लीजिए, आप फटाफट से लिख लीजिएगा कि इस पद्धति में हम ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ये जो दर्पण होता है ना, दर्पण का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। ये हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशंस में जब हम गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल लिख लीजिए कि इस पद्धति में हम ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, यानी ध्रुव को हमेशा मूल बिंदु पर रखते हैं, ठीक है, और दर्पण के मुख्य अक्ष को, ये दर्पण का मुख्य अक्ष होता है जो इसके बिल्कुल बीचों बीच जाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मानेंगे, यानी उसको एक्स अक्ष पर रख दीजिए, ठीक है, मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष माना जाता है, और इसके नियम निम्न प्रकार हैं। तो पहला नियम लिखिए मूल बिंदु के बाईं ओर के ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस एक्स अक्ष की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक व मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, यानी पॉजिटिव वाई दिशा में, ब्रैकेट क्लोज, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पॉजिटिव वाई अक्ष या पॉजिटिव वाई दिशा में, ब्रैकेट क्लोज, धनात्मक मानी जाती हैं।
धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां या सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं तो चलिए होपफुली आपको जितना भी अभी तक हमारा प्रकाश के चैप्टर में इस वीडियो के अंदर हुआ वो पूरा का पूरा कंटेंट, कैसे प्रावर्तन होता है, क्या क्या प्रावर्तन के नियम हैं और प्रावर्तन के प्रकार क्या हैं, उसके बाद हमने दर्पण पढ़ा, दर्पण के टाइप्स, और फिर हमने बेसिकली समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट हम गोलीय दर्पण और उससे जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसके बारे में, और गोलीय दर्पण की बाकी की जो डेफिनेशंस है या बाकी के जो फेनोमिनाज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।